गाइस वंदे मातरम। मेरा नाम अविनाश है, मैं सेकंड ऑफिसर हूँ और डीपी वेसल पे सेल करता हूँ। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आया है कि हमने तो कर लिया है ओपन सीडीसी का, करना क्या चाहिए। बेसिकली मैं मना इसलिए कर रहा हूँ यार, क्योंकि जस्ट इमेजिन बहुत सारे जीपी रेटिंग जो बंदे किए हुए हैं वो भी अभी अनएम्प्लॉयड है, उनको अभी जॉब नहीं मिला। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वो फेल हो रही है उनको प्लेस करने में। अब सपोज़ कि एक ओपन सीडीसी वाला बंदा और एक जीपी रेटिंग वाला बंदा दोनों एक कंपनी में गए हुए हैं, तो डेफिनेटली जो कंपनी है वो उस बंदे को एंटरटेन करेगी जिसने जीपी रेटिंग किया हुआ है। जीपी रेटिंग किया हुआ बंदे को क्यों एंटरटेन करेगी? क्योंकि एसटीसीडब्ल्यू जो कोर्सेज है मोस्टली सेफ्टी रिलेटेड कोर्स है, उसमें आपको काम नहीं बताया जाता है कि आपको शिप पे जाके क्या काम करना होता है। जीपी रेटिंग किए होते हैं ना एकेडमी में, उनको काम सिखाया जाता है कि उनको शिप पे जाके काम क्या करना है। देखो बेसिकली यार, अगर आपके पास ओपन सीडीसी है तो मैक्सिमम केसेस में चांसेस ये होते हैं कि जॉब मिलेगा भी तो जो डिलीवरी वेसल्स होते हैं। डिलीवरी वेसल मतलब जो वेसल कहीं एक जगह से लेके आ रहे हैं उसको स्क्रैप करने के लिए, स्क्रैप डिलीवरी के लिए, वो भी यार्ड डिलीवरी नहीं है, उसकी अलग कुछ एजेंसीज हैं। अगर आपको जानना है नाम तो वो भी मैं बता दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम चैनल मैसेज करना। सर अगर आपके पास ओपन सीडीसी है और आपको ज्वाइन करना, आपको काम करना ऑफशोर में या फॉरेन कंट्रीज में, तो ओपन सीडीसी के साथ शिप में काम करने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप ऑफशोर में काम करो। ऑफशोर में मतलब जो रिग्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसमें काम करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसमें सैलरीज भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एज ए रिगर, एज ए स्काफोल्डर, एज ए इलेक्ट्रीशियन, और भी बहुत दुनिया भर के जॉब्स होते हैं। अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि इसका फोल्डर या रिग पे कैसे जॉब करना है या रिगर कैसे बनना है, उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी कंपनीज है जिसके थ्रू अप्रोच करना है, अगर आप चाहते हो मैं इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में डालो, आप मुझे मैसेज करो एंड फॉलो कर लो मुझे। क्योंकि मैंने जो चीज़ें देखी है मुंबई में, जो लाइफ मैंने जी है फ्रेशर्स या मेरे जूनियर जो एंट्री कर रहे हैं इस प्रोफेशन में, मैं नहीं चाहता कि वो सारी चीज़ें उनके साथ हो। तो गाइज़ ये बहुत आसान है ना कि आप अपना मर्सिडीज़, अपना बीएमडब्ल्यू, अपनी स्पोर्ट्स बाइक फ्लॉन्ट कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि मेरे पास, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, क्या कमाल है, शिपिंग में आने के बाद ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये फॉरेन कंट्री से, यहाँ आईफिल टावर से फ़ोटो खिंचवा रहे। सो ये सारी चीज़ें जो है सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई ये सारी चीज़ों तक पहुँचने का जो रास्ता है ना वो बहुत कठिन है। 40% लोग ऐसे हैं जो एकेडमी से निकलते हैं, स्पॉन्सरशिप लिए होते हैं, फटाक से उनको अच्छी कंपनी मिल जाती है, तो उनको मुंबई में भटकने की ज़रूरत नहीं होती, उनको लॉज दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं होती, उनको कैटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको पूरी रात ऐसे बेड पर सोने की ज़रूरत नहीं होती इसमें खटमल है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं जो हम देख के आते हैं, बट जिनको नहीं पता वो इस बारे में बता ही नहीं सकते आपको, तो उनकी गलती नहीं है बेसिकली। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हर किसी केस में नहीं होता। मैक्सिमम लोग जब एकेडमी से निकलते हैं उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है भाई, मुंबई में उनको आना पड़ता है, हजारों रेज्यूम फेंकने होते हैं। सो इसीलिए अगर आप यहाँ पर इंस्टाग्राम रील देख के आ रहे हो, बीएमडब्ल्यू गाड़ी, लग्जरियस बंगलो और लाइफ देख के आ रहे हो कि इतना मज़ेदार ज़िंदगी हो जाएगी, तो उसके पीछे करीब 7-8 साल, 9 साल, 10 साल का स्ट्रगल होता है। इसीलिए इस चैनल में आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो राइट है, जो आपको करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। सो आप मेरे प्रॉब्लम शेयर करो और मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढ ढूंढ के आपको बताऊँगा। स्ट्रगल अपने अपने ज़िंदगी का हर किसी को फेस करना ही होता है, उससे आपको गुजरना ही पड़ेगा, बट वो स्ट्रगल एक डायरेक्शन में होना चाहिए कि भाई ये स्ट्रगल किया तो मैं सही जगह पहुँचूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो फालतू की चीज़ें, जो अफवाहें चल रही है ना मार्केट में, वो ना चले, एजेंटगिरी ख़त्म हो सबसे पहले, क्योंकि भाई एजेंटों ने ही गंद मचाया हुआ मार्केट में। पैसे वैसे मत दो भाई इधर उधर फालतू रोड छाप एजेंट को, मैनिंग एजेंसीज में जाओ, कुछ बहुत अच्छी अच्छी मैनिंग एजेंसीज हैं, उनका नाम मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी हैं जो फ्री में लेती है। सो अगर आप चाहते हो कि रिग पे कैसे जाना है या ऑफशोर में कैसे जाना है, इसका फोल्डर कैसे बनना है, रिगर कैसे बनना है, मेडिक कैसे बनना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आप जानकारी लेना चाहते हो, भाई आप सही जगह और सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस चैनल पर अभी कमाल की वीडियोज़ आने वाली है, ठीक है। और एकदम 110% ट्रू गाइडेंस आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे फेक और फर्जी लोगों के से काफ़ी दूर लेके जाऊँगा आपको यहाँ से, इस चैनल से। सो ट्रस्ट मी, बी विथ मी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे शेयर करो, उसका सॉल्यूशन मैं ढूंढूंगा और बताऊँगा। नहीं होता है तो वो भी बताऊँगा, नहीं है भाई मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, और उसका अल्टरनेट आप क्या कर सकते हो वो बताऊँगा फिर मैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।